Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 36 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 4.1 लिमिट्स ऑफ फंक्शन को स्टडी करेंगे। इन दिस सेक्शन we will introduce the important notation of limit of function. इस सेक्शन में हम लिमिट ऑफ फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। The idea of function having a limit L at the point C is that the values f of x are closer to L when x is closer to C. यही डेफिनेशन हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक जैसे जैसे एक्स क्लोज होता जाता है सी के, वैसे ही एफ ऑफ एक्स ये भी क्लोज होता जाता है एल के। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स which is equal to L. That is the definition of limit of function. ये हम definition previous classes में already पढ़ चुके हैं। यानी इस definition के मुताबिक जैसे जैसे x close होता जाता है c के, वैसे ही function close होता जाता है L के। तो L is the limit of function. Limit of फंक्शन। इसके अलावा हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, इस चीज को भी स्टडी कर चुके हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर हम एक फिगर बना लेते हैं ताकि आपको ये डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हम कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स, और ये कोई पॉइंट सी है जिस पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है एल, ठीक है। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर जैसे जैसे एक्स, ठीक है, इस साइड से या इस साइड से सी को अप्रोच करता है, वैसे वैसे स्टूडेंट्स जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो वैसे वैसे यानी जो फंक्शन होगा वो भी, यानी हम यहां पर और यहां पर जैसे जैसे एक्स अप्रोच करता है सी को, वैसे एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन भी एल को ही अप्रोच करता है, ठीक है। यानी यहां पर हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, और यहां पर हमारे पास क्या होता है, डेल्टा होता है। यानी इसको आप कह लें डेल्टा, ये डेल्टा, इसको आप कह लें एप्सिलॉन, ठीक है। यानी अब ये वाली जो लाइन होगी स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं यानी एल प्लस एप्सिलॉन, इस लाइन को आप लिख सकते हैं L माइनस एप्सिलॉन, इसको आप लिख सकते हैं यानी ये वाले जो होगा इसको आप लिखते हैं यानी C माइनस डेल्टा या डेल्टा माइनस C, ठीक है। इस तरह ये भी आ जाएगा C प्लस डेल्टा या C माइनस डेल्टा, तो ये आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। जो हमारे पास डेल्टा होता है, डेल्टा
ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स करता है एप्सिलॉन पर, डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, जो भी आप एप्सिलॉन की वैल्यू चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आती है। तो इस तरह की हमारे पास कोई फिगर मिलती है, तो ये वैसे आपको समझाने के लिए कि डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होती है। इसमें ही स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस साइड से या इस साइड से सी को अप्रोच करते हैं, वैसे वैसे जो एफ ऑफ एक्स होता है ये भी इसी लाइन एल को ही अप्रोच करता है। जो लाइन हमने ये ड्रॉ की है, यानी ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एट सी, यानी जो एल हमने यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स, ये जो एल हमने लाइन ड्रॉ की है ये फंक्शन की वैल्यू है एट सी। ये हमारे पास कोई पार्टिकुलर पॉइंट है, यानी जैसे जैसे एक्स इसी पॉइंट सी को अप्रोच करता है वैसे वैसे जो एफ ऑफ एक्स होता है ये इसी एल को ही, इसी लाइन एल को ही अप्रोच करता है। तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, इन ऑर्डर फॉर द आइडिया ऑफ द लिमिट ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी टू बी मीनिंगफुल, इसी आइडिया को मीनिंगफुल बनाने के लिए जरूरी है कि फंक्शन डिफाइन हो एट पॉइंट्स नियर टू सी। ये जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन हो वो पॉइंट सी पर डिफाइन हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन पॉइंट सी पर डिफाइन हो, लेकिन जरूरी है कि जो फंक्शन है वो नियर टू सी, यानी सी के करीब तरीन जो भी पॉइंट्स हो उन पर डिफाइन हो। ठीक है, बट इट शुड बी डिफाइंड एट एनी पॉइंट्स क्लोजर टू सी टू मेक द स्टडी इंटरेस्टिंग। तो स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो फंक्शन सी के करीब तरीन पॉइंट्स पर डिफाइंड। दिस इज द रीजन फॉर द फॉलोइंग डेफिनेशन। इस डेफिनेशन की यही रीजन। अब ये डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी सबसेट ऑफ आर। जो ए हम ले रहे हैं ये सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू आर इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। क्लस्टर पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, लिमिट पॉइंट, इसका सेकेंड नेम है क्लस्टर पॉइंट। तो सी बिलोंग्स टू आर इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए इफ फॉर एवरी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स इज नॉट इक्वल टू सी सच दैट एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, यानी वही हम अगर फिगर को देखें जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास फिगर है। तो ये कोई लाइन, इसको आप कह लें फंक्शन है कोई। ठीक है, ये हम कह देते हैं सी पॉइंट। ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, डेल्टा होता है। ये भी डिस्टेंस डेल्टा होता है और ये भी डिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा होता है। वो कह रहे हैं कि हम सी को लिमिट पॉइंट कहेंगे, सी बिलोंग्स टू आर, ये लिमिट पॉइंट होगा ए का। ए हमारे पास क्या है, ये सबसेट ऑफ आर है। तो हम सी को, सी बिलोंग्स टू आर, इसको लिमिट पॉइंट कहेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ ए हम उस वक्त कहेंगे जब हमें कोई ऐसा एक्स मिलेगा विच बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू सी सच दैट एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, आप जो भी डेल्टा चूज करें, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये आप कोई भी चूज करते हैं
तो हमें कोई ऐसा पॉइंट मिले सेट ए से, ठीक है, जो भी आप ए डिफाइन कर रहे हैं, यानी हमें कोई ऐसा एक्स मिले ए से, ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, साइड दैट एक्स माइनस सी कमॉड इज लेस देन डेल्टा। यानी अगर हम सी का कोई नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, नेबरहुड फॉर एग्जांपल ये नेबरहुड है सी का, ठीक है, ये नेबरहुड के पॉइंट्स हैं, तो अगर एक्स इसी नेबरहुड से बिलोंग कर जाता है, ठीक है, जो भी आप ए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए तो ऐसा हमें मिल जाता है, ठीक है, यानी आप कह लें कि हमें इसी नेबरहुड से कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो सेट ए से भी बिलोंग करता है और इसके नेबरहुड से भी बिलोंग करता है, साइड दैट एक्स माइनस सी का मॉड ये लेस देन डेल्टा, तो उस सूरत में हम सी को लिमिट पॉइंट ऑफ ए कहेंगे, ठीक है, जो भी हम ए सेट डिफाइन कर रहे हैं उस सेट ए के लिए जो सी होगा वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। यानी अगर हमें इसी के नेबरहुड से कोई पॉइंट मिल जाता है एक्स, ठीक है, तो उस सूरत में आप देख सकते हैं कि एक्स और सी का डिस्टेंस, वैसे स्टूडेंट्स ये क्या होता है कि एक्स माइनस सी का मॉड ये डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी, ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी लेस देन डेल्टा मिल जाता है, यानी किसी एक पॉइंट के लिए, हम ये नहीं करें कि तमाम पॉइंट्स के लिए, कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, साइड दैट कि एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन डेल्टा, तो उस सूरत में हम सी को लिमिट पॉइंट ऑफ ए कहेंगे, जो सी है वो किस से बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपने याद रखना, ये बेसिक डेफिनेशन है यानी क्लस्टर्ड पॉइंट की। दिस डेफिनेशन इज रिफ्रेस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ नेबरहुड एज फॉलोज, तो इसी डेफिनेशन को हम नेबरहुड में कैसे डिफाइन करते हैं कि अ पॉइंट सी इज अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है, कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंट फ्रॉम सी, तो ये वही डेफिनेशन है जो हम अभी मैं बता चुका हूं आपको। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी यानी सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, जिस तरह अगर आप इस फिगर को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, ये आप कोई सी डिफाइन कर लेते हैं, ये कोई सी है, ये उसका नेबरहुड है, जो ये मैं दोबारा लाइन बना रहा हूं, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, तो ये बन जाएगा c प्लस डेल्टा और ये c माइनस डेल्टा, यानी हम c का नेबरहुड डिफाइन करें, c का नेबर क्या होगा, यानी डेल्टा नेबरहुड ऑफ c, उसको हम लिखेंगे v, इधर लिखेंगे डेल्टा, इधर लिखेंगे इन टू सी, विच इज इक्वल टू c माइनस डेल्टा वाओ c प्लस डेल्टा, ये नेबरहुड बन जाएगा किसका, c का डेल्टा नेबरहुड ऑफ c, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इस जितना भी ये वाला एरिया है इसको नेबरहुड ऑफ सी कहेंगे, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, डेल्टा आप जो भी ग्रेटर देन जीरो डिफाइन कर लेते हैं, तो अगर आपको सी पता हो तो आप क्या करेंगे, सी प्लस डेल्टा कर देंगे और सी माइनस डेल्टा, तो ये इसका क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप पॉइंट सी is a clustered point of A if for every delta neighborhood of C contain at least one point of A distant from C, ठीक है, जो भी हमने यहां पर delta neighborhood define किया है C का, ठीक है, delta neighborhood of C, C minus delta C C प्लस डेल्टा, वो कह रहा है कि अगर हम C को लिमिट पॉइंट ऑफ A कहते हैं तो उस सूरत में ये लाजमी तौर पर
होल्ड करेगा कि एट लीस्ट वन वो डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। अब वो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि अगर सी लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, सी लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, तो उस सूरत में हमें एट लीस्ट वन एक्स मिलना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, जो भी एक्स ए से बिलोंग करे वो डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी से भी बिलोंग करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि सी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब ये होगा कि हमें कोई एक ऐसा एक्स मिलेगा जो ए से भी बिलोंग करेगा और डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी से भी बिलोंग करेगा, तो उस सूरत में हम सी को लिमिट पॉइंट ऑफ ए कहेंगे। जो ए है स्टूडेंट्स वो क्या है, ये सबसेट ऑफ आर है, ये भी आपने याद रखना। ये यहां पर डेफिनेशन डिस्कस की गई है, ये सिंपल डेफिनेशन है और ये इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा नेबरहुड। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ये मैंने कुछ इजाफी यहां पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन की वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। फॉर ऑल एप्सिलॉन ओनली इट द डेल्टा, सॉरी द एप्सिलॉन वेरिएबल विल बी यूज्ड टू ड्राइव आर डेल्टा। हम क्या करते हैं कि एप्सिलॉन को ही यूज के क्या करते हैं, डेल्टा ड्राइव करते हैं, ठीक है। दिस पावरफुल स्टेटमेंट बेसिकली स्टेट दैट डेल्टा इज रिलेटेड टू एप्सिलॉन। जो डेल्टा होता है स्टूडेंट्स वो किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। जो भी आप एप्सिलॉन चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डेल्टा आप ड्राइव करते हैं। टू एक्सक्यूज मैथमेटिकली रेगियस लैंग्वेज फॉर अ मोमेंट, डेल्टा कैन बी इमेजिन ऑफ लाइक अ फंक्शन विच आउटपुट एप्सिलॉन। तो हम डेल्टा को एज अ फंक्शन कह रहे हैं जो कि यानी विच आउटपुट्स एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एज नेदर डेल्टा आर एप्सिलॉन आर अलाउड टू हैव वेरिएबल्स सच एज एक्स बी पार्ट ऑफ देयर फॉर्मुलेशन। हम यहां पर वो कह रहे हैं कि हम यहां पर ये अलाउ नहीं करते कि जो डेल्टा या एप्सिलॉन हो उनके भी वेरिएबल हो, ठीक है, ये चीज बताई गई है। वैसे अगर आप देखेंगे तो वही बेसिकली जो कि हम प्रेस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सारी वही डेफिनेशन है, तो आपने इनको देख लेना है, ठीक है। यानी एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर सपोज टू रिप्रेजेंट मॉमेंट्स, ठीक है। यहां पर ये डेल्टा है और ये एप्सिलॉन है, ये कह रहा है कि आर सपोज टू रिप्रेजेंट बॉन्ड्स। हम यहां पर ये सपोज करें कि ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेंस द एब्सोल्यूट वैल्यूज साइन देयर दे आर मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू राइटिंग एक्स माइनस सी इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा लेस देन डेल्टा। हम कैसे लिखते हैं कि एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन डेल्टा, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के x माइनस सी इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा लेस देन डेल्टा। और f ऑफ x हम क्या लिखते हैं, माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम स्टूडेंट्स एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखें तो उस सूरत में हम स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, जैसे कि प्रीवियस फिगर है, यहां पर वही फिगर हम यहां बना लेते हैं, यानी ये कोई हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास सी पॉइंट है,
ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, यहां पर हम लिखेंगे एल प्लस एप्सिलॉन, ये एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा है, ये एप्सिलॉन, ये भी एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं कि एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हम डेफिनेशन में लिखते हैं जब आप स्टडी करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को, उसमें आप ये चीज लिखते हैं। और यहां से स्टूडेंट्स हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस सी इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, लेस देन डेल्टा, एंड ये आप लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज आप लिख सकते हैं, वही चीज ये बता रहा है यहां पर। तो इसको आप स्टडी कर लें, तो ये वैसे जो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं तो वो वैसे ही हमारे पास ये डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नोट द पॉइंट सी मे आर मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ ए, जो सी है ये आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि सी मे आर मे नॉट बी मेंबर ऑफ ए, ये ए का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इवन इफ इट इज इन ए इट इज इग्नोर व्हेन डिसाइडिंग वेदर इट इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए आर नॉट, सिंस वी एक्सपेक्टिवली रिक्वायर दैट देयर बी इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए डिस्टेंट फ्रॉम सी इन ऑर्डर फॉर सी टू बी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो हम अगर कहते हैं कि सी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास है एक्स वो बिलोंग करना चाहिए डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए से, यानी इसका मतलब होगा कि एक्स इससे भी बिलोंग करेगा और इससे भी बिलोंग करेगा, तो उस सूरत में हम सी को लिमिट पॉइंट ऑफ ए कहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ ए, हम यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर हमें ए गिवन है, एक सेट है 1 वाव 2 का, इसमें आपने ये याद रखना है कि ये इंटरवल नहीं है, ये एक सेट है, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, देन द पॉइंट 1 इज नॉट अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, जो 1 है वो क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए नहीं है, सिंस चूजिंग डेल्टा विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 गिव्स आर नेबरहुड ऑफ 1 दैट कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंट फ्रॉम 1, ठीक है। अगर हम चूज कर लेते हैं डेल्टा विच इज इक्वल टू 1/2 गिव्स आर नेबरहुड ऑफ 1 दैट कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंट फ्रॉम 1, अगर हम 1 पर, ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो अगर हम 1 पर एक डेल्टा नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी 1 पर एक डेल्टा नेबरहुड आप ड्रॉ करें, यानी 1 + 1/2 एंड 1 - 1/2, ये 1 का क्या है हमारे पास डेल्टा नेबरहुड है, ठीक है, यानी 1 - 1/2 ये बन जाएगा 2 - 1, यानी 1/2 ये बन जाएगा 1/2 और 3/2 ये नेबरहुड बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि सिंस चूजिंग डेल्टा विच इज इक्वल टू 1/2 गिव्स अ नेबरहुड ऑफ 1 दैट कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंट फ्रॉम 1, बिकॉज ए क्या है, सिर्फ सेट है, इसमें सिर्फ दो मेंबर्स हैं, एक 1 है एक 2 है, तो अगर आप 1 पर एक डेल्टा नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, यानी जो ए सेट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है 1 वॉल 2, ये एक सेट है, ये सब सेट ऑफ आर है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि 1
ठीक है, लिमिट ऑफ ए है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए कि हमें एक्स कोई ऐसा मिलना चाहिए सेट ए से जो के बिलोंग करे डेल्टा नेबरहुड ऑफ वन इंटरसेक्शन ए से, ठीक है, वो इससे भी बिलोंग करे और इससे भी बिलोंग करे। अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम डेल्टा चूज कर लेते हैं 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5, ये हम क्योंकि डेल्टा स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये ग्रेटर देन जीरो, ये कोई स्मॉल वैल्यू, ये हम स्मॉल वैल्यू चूज कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू चूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्मॉल वैल्यू जो चूज कर सकते हैं, ठीक है, डेल्टा जो भी आप चूज करें। अगर कह रहा है कि अगर डेल्टा हम 1/2 चूज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये बन जाएगा 1 - 1/2 वो 1 + 1/2, ये बन जाएगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ 1 बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी। तो हमें कोई भी एक ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जो कि इससे भी बिलोंग करे और इससे भी बिलोंग करे सिवाय 1 के, ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि जो सेट ए है इसमें 1 भी लिमिट पॉइंट नहीं है और 2 भी लिमिट पॉइंट है। 2 के लिए भी आप सिमिलर आर्गुमेंट यहां पर लिख सकते हैं, अगर आप डेल्टा नेबरहुड ऑफ 2 डिफाइन करें, यानी अगर आप डेल्टा चूज कर लेते हैं 1/2, तो ये बन जाएगा 2 - 1/2 और 2 + 1/2, तो हमें 2 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि इस नेबरहुड से भी बिलोंग करे और सेट ए से भी बिलोंग करे। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ना ही 1 लिमिट पॉइंट बनता है ना ही 2 लिमिट पॉइंट बनता है, तो इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट यहां पर नहीं है। सो वी सी दैट ए हैव नो लिमिट पॉइंट, ए हैज नो क्लस्टर पॉइंट, ए का कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये एक एग्जांपल थी क्लस्टर पॉइंट की, लिमिट पॉइंट की। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम, अ नंबर सी इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन इन ए सच दैट लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू सी एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये हमारे पास थ्योरम है, इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, यानी अ नंबर सी बिलोंग्स टू आर इज अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन इन ए सच दैट लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू सी एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, यानी अगर आप कोई भी सेट लेते हैं, सबसेट लेते हैं ए आर का, तो हम सी को लिमिट पॉइंट ऑफ ए उस वक्त कहेंगे जब हमें ए में कोई ऐसी सीक्वेंस ए एन मिले, ठीक है, ए एन सीक्वेंस मिले जिसकी लिमिट क्या हो, सी हो, ठीक है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू सी, ठीक है, और ए एन इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में हम सी को भी एक का लिमिट पॉइंट कहेंगे, ठीक है, यानी सी लिमिट पॉइंट ऑफ ए होगा जब हमें एक ऐसी सीक्वेंस ए एन मिले ए में जिसकी लिमिट क्या हो, सी हो, और ए एन इज नॉट इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो अगर आप सीक्वेंस की हर टर्म डिफाइन करते हैं वो कोई भी टर्म सी की इक्वल नहीं होती, ठीक है, तो उस रद में ये जो सी लिमिट आएगी सीक्वेंस की वही लिमिट ए की भी होगी। तो ये हमारे पास क्या है, थ्योरम है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं यहां पर। इफ सी इज अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए, हम यहां पर ये सपोज कर रहे हैं कि सी क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए है, देन फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन द 1/n नेबरहुड ऑफ सी कंटेन एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए एन इन ए डिस्टेंस फ्रॉम सी। वो ये कह रहा है कि अगर सी क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए है तो उस सूरत में हमें एक ऐसा यानी देन फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन द 1/n नेबरहुड ऑफ सी
contain at least one point of A and in A distant from C. तो उस रूप में हमें सीक्वेंस से कोई टर्म मिल जाती है जो A में भी होती है और इस नेबरहुड में भी होती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि C लिमिट पॉइंट ऑफ A है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमें इस A में कोई ऐसी टर्म मिल जाएगी An, ठीक है, जो A से भी बिलोंग करेगी और An बिलोंग करेगी वन ओवर n नेबरहुड ऑफ C। यहां पर ये कह रहा है कि हमें कोई ऐसा n मिल जाएगा, ठीक है, देन द वन ओवर n नेबरहुड ऑफ C कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट A n इन A डिस्टेंट फ्रॉम C, देन A n बिलोंग्स टू A, A n इज नॉट इक्वल टू C एंड A n माइनस C का मॉड इज लेस देन डेल्टा। ये तो जहरी बात है कि A n माइनस C का मॉड इज लेस देन डेल्टा का, डेल्टा आपने ये चूज किया, ठीक है। ये क्या हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा हमारे पास क्या होता है, ये ग्रेटर देन जीरो, इसमें आप डेल्टा चूज कर रहे हैं वन ओवर n सीक्वेंस, ये आप चूज कर रहे हैं डेल्टा। दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ A n इज इक्वल टू C, इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ A n इज इक्वल टू C, या हम लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी A n इज इक्वल टू C, ठीक है। कन्वर्सली अब इसका प्रूफ देखते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन A, ठीक है, विद ऑफ C, यानी अगर हमें सीक्वेंस मिल रही है A n इन A में विद लिमिट ऑफ A n इज इक्वल टू C, देन फॉर एनी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट K such that if n is greater than equal than K, then A n belongs to डेल्टा नेबरहुड ऑफ C, ठीक है। हम अब यहां पर ये सपोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के इफ लिमिट ऑफ A n इज इक्वल टू C, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, फॉर एनी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट n इज ग्रेटर देन इक्वल देन K such that A n माइनस C का मॉड इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये हम चीज करें, A n क्या होगा, वो बिलोंग करेगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ C से, देयरफॉर द डेल्टा नेबरहुड ऑफ C कंटेन्स द पॉइंट A n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन K विच बिलोंग्स टू A एंड आर डिस्टेंट फ्रॉम C, ठीक है। ये वही डेफिनेशन जो हम अभी स्टडी कर चुके हैं कि कन्वर्सली हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी सीक्वेंस मिलती है A n इन A विद लिमिट ऑफ A n इज इक्वल टू C, ये हम सपोज कर रहे हैं, देन फॉर एनी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट K such that if n इज ग्रेटर देन इक्वल देन K, देन A n बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ C, ठीक है। अगर लिमिट ऑफ A n इज इक्वल टू C है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो A n सीक्वेंस होगी वो बिलोंग करेगी डेल्टा नेबरहुड ऑफ C से। यह आपको मैं पहले यही बता चुका हूं इस चीजों के बारे में कि A n बिलोंग करेगी इस इंटरवल से C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा नेबरहुड ऑफ C कंटेन्स द पॉइंट A n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन K विच बिलोंग्स टू A, ठीक है, जो कि A से भी बिलोंग करेंगे। तो A से भी, अब A n A से भी बिलोंग कर रही है और डेल्टा नेबरहुड ऑफ C से भी बिलोंग कर रही है, तो ये हमारे पास थ्योरम हमारे पास क्या होता है, प्रूफ हो जाता है इसी तरह। अब नेक्स्ट है, एग्जांपल्स हैं कुछ। फॉर द ओपन इंटरवल एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल इज अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ A n, ठीक है। फॉर द ओपन इंटरवल A n, अब ये हमारे पास ओपन इंटरवल है A n,
every point of the close interval is a cluster point of A1. ठीक है, यानी आप ये A1 ले रहे हैं ओपन इंटरवल 0 वो 1, हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्लोज इंटरवल है 0 वो 1, इसका हर पॉइंट इस A का A1 का क्लस्टर पॉइंट है। ठीक है, अगर आप इसका कोई भी पॉइंट देखते हैं क्लोज इंटरवल है, इसमें 0 भी बिलोंग करता है, 1 भी बिलोंग करता है, और 0 और 1 के दरमियान जितने भी यानी आएंगे नंबर्स आएंगे वो भी इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करते हैं। ये कह रहा है कि इसका हर पॉइंट इस ए वन का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, वही बात है कि अगर हम जीरो पर एक डेल्टा नेबरहुड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आप डेल्टा कोई भी चूज कर लेते हैं, 1/2 चूज कर ले डेल्टा, तो उस सूरत में 0-1/2 एंड 0+1/2, यानी अब मैं आपको यहां बता देता हूं, यहां पर एक लाइन ड्रा करें, ये जीरो है, ये है -1/2 यानी -0.5, ये हमारे पास है 0.5, ये इसका हमारे पास क्या है आप देख लें, ये हमारे पास डेल्टा नेबरहुड है। ठीक है, जो ए वन है, ए वन क्या है, ओपन इंटरवल है 0-1 है, यानी ये ओपन इंटरवल है, इसको आप 1 कह लें। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि इस इंटरवल का हर एक पॉइंट इसका क्लस्टर पॉइंट है। अब देखें, 0 भी क्लस्टर पॉइंट होगा ए वन का, 0 भी क्लस्टर पॉइंट होगा ए वन का, यानी हमें ए वन से कोई ऐसा एलिमेंट मिल सकता है एक्स, ठीक है, जो कि साइड दैट कि एक्स बिलोंग कर सकता है ए वन से भी, और एक्स बिलोंग कर सकता है डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी से भी। सी हम जीरो ले रहे हैं, देख लें यहां पर काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो ए वन से भी बिलोंग करते हैं और इस नेबरहुड से भी बिलोंग करते हैं, तो दिस इंप्लाइज 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए वन। इस तरह 1 के लिए भी आप सिंगुलर आर्गुमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 भी लिमिट पॉइंट है, इसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी लिमिट पॉइंट्स हैं। ये डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। नेक्स्ट देखते हैं, नोट दैट द पॉइंट्स 0-1 आर क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए वन बट डू नॉट बिलोंग टू ए वन। सिंपल बात है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए वन आर द क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए वन। A finite set has no cluster points. वो कह रहा है कि finite set, set की बात कर, has no cluster points. The infinite set has no cluster points. ये आपने याद रखने दो points हैं। ये MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं कि finite set cluster point रखता है या नहीं रखता, नहीं रखता। इस तरह infinite set, उसका भी कोई cluster point नहीं होता। The set A4. अब ये हमारे पास सेट ए फोर है, विच इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n, ये हमारा सेट है, हैज ओनली द जीरो एज द क्लस्टर पॉइंट, नन ऑफ द पॉइंट्स इन ए फोर इज द क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए फोर। वो कह रहा है जीरो के अलावा बाकी कोई भी क्लस्टर पॉइंट इसका नहीं है, सिर्फ जीरो है जो इसका क्लस्टर पॉइंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, इसकी लिमिट क्या आती है स्टूडेंट, वो जीरो आती है, ये आपको पहले ही पता है। इसका क्लस्टर पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा जो इसकी लिमिट पॉइंट है। इफ आई विच इज इक्वल टू 0-1 एक क्लोज इंटरवल है, देन द सेट ए फाइव विच इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन क्यू, क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम ले रहे हैं आई इंटरसेक्शन क्यू ले रहे हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स
इन आई। देखें अब इस क्लोज इंटरवल में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब ये जो आप हम ले रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 to 1, इसमें हो सकता है कि काफी सारे रैशनल नंबर्स हों। इट फॉलोज फ्रॉम डेंसिटी थ्योरम दैट एवरी पॉइंट इन आई इज अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए फाइव। जो हम ये ले रहे हैं स्टूडेंट्स ए फाइव दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ आई एंड क्यू, तो अगर आप इसका कोई भी पॉइंट लेते हैं आई का तो वो ए फाइव का क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट होगा, ठीक है। तो हैविंग मेड दिस ब्रीफ डिटूर वी नो रिटर्न टू द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। ये कुछ डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल थी लिमिट पॉइंट की। आई होप आपको ये काफी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, या हम प्रॉपर डेफिनेशन अब डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर एंड लेट सी बी क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए फॉर अ फंक्शन एफ ए टू आर, ठीक है। यहां पर हम जो ए ले रहे हैं ये सबसेट ऑफ आर है एंड सी बी द क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए। जो सी है वो क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए है। फॉर अ फंक्शन एफ ए टू आर अ रियल नंबर एल इज सेट टू बी लिमिट ऑफ एफ एट सी इफ गिवन एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स माइनस सी कमॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल कमॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि ए सबसेट है आर का और जो सी है ये लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। ये हम स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है जो हम भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ए सबसेट है आर का और हम ये कहते हैं कि सी ए का क्लस्टर्ड पॉइंट है, ठीक है, एंड अ फंक्शन, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सेट ए टू आर, ठीक है, साइड दैट फॉर अ फंक्शन अ रियल नंबर एल इज सेट टू बी लिमिट ऑफ एफ एट सी इफ एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा साइड दैट एक्स माइनस सी कमॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एल कमॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ये आपने याद रख लेनी है, ये आपको मैं प्रीवियस बता चुका हूं, ठीक है। रिमार्क्स क्या है, सिंस द वैल्यूज ऑफ डेल्टा यूजली डिपेंड ऑन एप्सिलॉन वी विल समटाइम्स राइट एप्सिलॉन इनटू डेल्टा, सॉरी डेल्टा इनटू एप्सिलॉन। जो डेल्टा है ये एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है इंस्टेड ऑफ डेल्टा टू एम्फसाइज दिस डिपेंडेंस। द इनइक्वालिटी एक्स माइनस सी कमॉड इज ग्रेटर देन जीरो इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ये बात है कि एक्स और सी का जो डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन जीरो है। देखें अगर हम कहते हैं कि एक ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये डिस्टेंस इक्वल होता जीरो का, इसका मतलब होता है कि ये दोनों पॉइंट्स सेम जगह पर होते हैं। अगर पॉइंट सेम जगह पर होते तो इनका डिस्टेंस क्या होता, जीरो होता। तो अगर x माइनस सी कमॉड इज ग्रेटर देन जीरो दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू सी, x और c तो सेम पॉइंट है। इफ l इज द लिमिट ऑफ f एट c देन वी से दैट फंक्शन कन्वर्जेस टू l एट c। वी ऑफन राइट लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x विच इज इक्वल टू l आर लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ विच इज इक्वल टू एल, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन है एफ ये कन्वर्ज करता है एल को एट सी,
ठीक है. वी ऑल्सो से दैट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी, बट इट शुड बी नोटेड दैट द पॉइंट्स डू नॉट एक्चुअली मूव एनीवेयर. ठीक है, पॉइंट्स तो मूव नहीं करते स्टूडेंट्स. वैसे हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी, ये डेफिनेशन होती है लिमिट की, लिमिट ऑफ फंक्शन की. तो सिंबोलिकली हम इस तरह लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी इज ऑल्सो यूज समटाइम टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट एफ हैज अ लिमिट एट सी. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. इफ द लिमिट ऑफ फंक्शन एट सी डज नॉट एग्जिस्ट, वी से दैट एफ डाइवर्जेस एट सी. अगर किसी भी फंक्शन की एट पॉइंट सी पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब होगा वो कन्वर्जेंट होगा. अगर किसी भी फंक्शन की एट द पॉइंट सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो क्या होगा, डाइवर्जेस होगा एट पॉइंट सी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास एक थ्योरम है 4.15. इफ एफ ए टू आर एंड इफ सी इज अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए देन एफ कैन हैव ओनली वन लिमिट एट सी. जो भी स्टूडेंट्स लिमिट होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है. ये अभी आपने याद रखना है. यहां पर हम लिमिट की यूनिकनेस को प्रूव करने लगे हैं कि अगर हम कहते हैं कि सी इज अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए देन एफ कैन हैव ओनली वन लिमिट एट सी, तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी. फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये ए टू आर है. ए हम ले रहे हैं सबसेट ऑफ आर, इस पर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ सेट ए टू सेट आर. ठीक है, ये फिगर है जो कि हम अभी यूज करेंगे. ठीक है, इसमें देखें ये हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स है, ये पॉइंट सी है. यहां पर ये देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी और ये स्टूडेंट्स क्या है, एल है लिमिट, और इसका भी यानी हमारे पास क्या होता है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन होता है. ठीक है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, सॉरी, ये भी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल है, ये क्या है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ एल है, सी है सॉरी. यानी जैसे जैसे यहां पर जो भी एक्स होगा जैसे जैसे सी को अप्रोच करेगा तो उस सूरत में यहां पर ये भी फंक्शन की वैल्यू होगी, ये भी फंक्शन की वैल्यू होगी. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो एक्स है ये जैसे जैसे सी को अप्रोच करता है वैसे वैसे यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो भी इस एल को अप्रोच करती है. ये आप समझ लें एल है. ठीक है, ये क्लियर डेफिनेशन है. सपोज दैट नंबर एल एंड एल डैश सेटिस्फाई डेफिनेशन 4.14. हम यहां पर लिमिट को यूनिकनेस प्रूव करने लगे हैं तो हम यहां पर ये सपोज कर रहे हैं कि एल भी लिमिट है और एल डैश भी लिमिट है. फिर लास्ट में हम प्रूव करेंगे कि एल इज इक्वल टू एल डैश. तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी. फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इन टू डेल्टा ओवर एप्सिलॉन बाय टू इज ग्रेटर देन जीरो. देखें अगर हम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हम एक डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर टू, सॉरी डेल्टा इंटू एप्सिलॉन बाय टू, ये हम डिफाइन कर रहे हैं डेल्टा इस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए. सच दैट इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स माइनस सी कमोड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा इंटू एप्सिलॉन बाय टू देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल कमोड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू. ये वो डेफिनेशन है जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एल लिमिट है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा इनटू एप्सिलॉन बाय टू देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन, ठीक है, एप्सिलॉन बाय टू. ऑल्सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा डैश इनटू एप्सिलॉन बाय टू साइज दैट इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन
यानी डेल्टा डैश इन टू एप्सिलॉन बाय टू, देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। हम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर एल भी लिमिट है और एल डैश भी लिमिट है, तो उस सूरत में हम यहां पर एक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा इन टू एप्सिलॉन बाय टू, ये हम डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एल लिमिट है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एक्स माइनस सी का मॉड ये भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, लेस देन क्या होगा डेल्टा इन टू एप्सिलॉन बाय टू, देन दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। ठीक है, ये तो हमने एल के लिए देखा, अब हम लिखते हैं यही डेफिनेशन एल डैश के लिए, तो उस में क्या होगा कि एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन एप्सिलॉन डैश इन टू सॉरी डेल डैश इन टू एप्सिलॉन बाय टू, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। ये डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स किसके लिए, एल डैश के लिए। ठीक है, ये वो बता रहे हैं यहां तक। अगर हम चूज कर लेते हैं डेल्टा इनिफिमम ऑफ दिस, देन इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा, देन ट्राइंगल इनक्वालिटी सेज, उस सूरत में बाय यूजिंग ट्राइंगल इनक्वालिटी एल माइनस एल डैश का मॉड ये किसके इक्वल होगा, ये लेस देन इक्वल देन होगा एल माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड, यानी हम क्या स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एल माइनस एल डैश का मॉड ये हम लिख सकते हैं कि एल माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सॉरी हाँ माइनस एल डैश का मॉड बाय यूजिंग ट्राइंगल इक्वालिटी, ये लेस देन इक्वल देन हो जाएगा एल माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश का मॉड। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय टू है, प्लस ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय टू है, तो ये इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन के, तो दिस इंप्लाइज एल माइनस एल डैश का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये डेफिनेशन यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इज आर्बिट्रेरी वी कंक्लूड दैट कि एल अगर एल माइनस एल डैश का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन है तो यहां पर एप्सिलॉन कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, तो दिस इंप्लाइज एल माइनस एल विच इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एल विच इज इक्वल टू एल एल डैश। ठीक है, सो एल विच इज इक्वल टू एल डैश, द डेफिनेशन ऑफ लिमिट कैन बी वेरी नाइसली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड सी फिगर, वी ऑब्जर्व दैट कि डेल्टा नेबर ऑफ सी विच इज इक्वल टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा विच इज इक्वल टू एक्स साइड दैट एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन डेल्टा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए यहां पर हम लिमिट को यूनिक प्रूफ कर चुके हैं, पहले हमने दो डिफरेंट लिमिट प्रूफ की थी, अब लास्ट में हमने देखा कि दोनों लिमिट्स क्या हैं सेम है, तो इसका मतलब होगा कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी यूनिक लिमिट, तो यहां पर हमने लिमिट को यूनिकनेस प्रूफ किया। ठीक है, तो इस तरह आप ये प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट उसने डेफिनेशन लिखी है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 4.16, लेट एफ ए टू आर एंड लेट सी बी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि सी बी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए देन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्वल, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल, यानी ये भी ट्रू बात होगी। अगर हम कहते हैं कि ठीक है सी इज अ क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए देन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्वल, ठीक है, तो उस रूप में जो एल होगा ये लिमिट पॉइंट होगा एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, गिवन एनी यानी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल देयर एग्जिस्ट आर डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी साइड दैट इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सी इज एनी पॉइंट इन, ठीक है, दिस
कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए देन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर सी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए है, ठीक है, उस रूप में हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल। हम ये भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि बाय यूजिंग प्रीवियस फिगर, ठीक है, ये हम कोई फंक्शन बना लेते हैं, ये कोई सी है, ये आप कह लें डेल्टा, ये भी आप कह लें डेल्टा, ये आप नेबरहुड ड्रॉ कर, ठीक है, नेबरहुड आप ड्रॉ कर लें, तो एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन, यानी ये भी आप कह लें कि ये नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। ठीक है, यहां पर आप लिखते हैं कि वी डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। अगर हम कहते हैं कि जो एक्स है सी क्लस्टर पॉइंट है, तो उस रूप में हमें कोई ऐसा एक्स मिलेगा जो कि इससे भी बिलोंग करेगा और ए से भी बिलोंग करेगा, तो हम यहां पर टोटल लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन दोनों का, कि जो एक्स है वो इससे भी बिलोंग करता है और इससे बिलोंग करता है। तो ऐसे ही जो एफ ऑफ एक्स होगा ये बिलोंग करेगा किससे स्टूडेंट्स, यानी जो हमारे पास होगा एल, सॉरी एल, यानी हाँ एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, ये एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल से बिलोंग करेगा, ये बात बताई जा रही है। ठीक है, कि जैसे जैसे एक्स डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए से बिलोंग करेगा, उसी सूरत में वैसे वैसे जो एफ ऑफ एक्स होगा ये बिलोंग करेगा, हाँ यहां पर लिख लेते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स अगर हम एक फिगर दोबारा ड्रा कर लें, सर ये सीनी ड्रा हुई, ठीक है, दोबारा हम ड्रा कर लेते हैं, आप ये एक लाइन बना लेते हैं, ये हमारे पास कोई सी है, सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, ये हमारे पास हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन, इस सूरत में ये बन जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इसको आप कह लें एल, यानी ये भी हमारे पास नेबरहुड बन जाएगा, ये नेबरहुड, जिस तरह आप स्टूडेंट्स डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी डिफाइन करेंगे ये नेबरहुड। अगर हम कहते हैं कि सी क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए है या लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, तो उस सूरत में यानी सी को तो हम क्लस्टर्ड या लिमिट पॉइंट ऑफ ए कह रहे हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ ए कह रहे हैं, जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इसकी लिमिट क्या होगी, एल होगी, ये जो एल हम कह रहे हैं ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर सी क्लस्टर्ड पॉइंट ऑफ ए है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स होगा ये डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, यानी इससे भी बिलोंग करेगा और इससे भी बिलोंग करेगा, अगर करेगा तब ही सी हमारे पास क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए बनेगा, यानी हमें कोई ऐसा एक्स मिले ए से जो इससे भी बिलोंग करे और ए से भी बिलोंग करे। वो कह रहे थे इसी तरह स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो एफ ऑफ एक्स होगा ये भी बिलोंग करेगा किससे, हमारे पास जो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, यानी जो भी आप यहां पर जो भी यहां पर फंक्शन होगा वो इस नेबरहुड से लाजमी तौर पर बिलोंग करेगा, ये बात यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर,
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।